तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। गाइज मैंने 9 महीने पहले एक वीडियो डाली थी यूट्यूब पे जो कि ये वाली थी। गाइज यहाँ पर मैं एमसी स्टैन के फैंस को जो खबर अभी बताने वाला हूँ उसे सुन के शायद आप लोग थोड़ा गुस्सा हो जाओगे। क्या हुई? अब वो क्या है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर एक YouTube चैनल है जिसका नाम बॉली फन है। बेसिकली ये बंदा व्यूज और सब्सक्राइबर के लिए इतना गिर चुका है कि इस बंदे ने अपनी एक वीडियो में एमसी स्टैन को मार दिया, और वो भी सिर्फ व्यूज और थोड़े से सब्सक्राइबर्स के लिए। भारत के मशहूर रैपर एमसी स्टैन का निधन हो गया है। खबरों की रिपोर्ट्स के मुताबिक एमसी स्टैन का कार एक्सीडेंट की वजह से निधन हुआ है। कुछ भी मतलब कुछ भी, थोड़े से व्यूज और सब्सक्राइबर के लिए कुछ भी कर सकते हैं भाई। आपको इस बारे में क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। 9 महीने पहले जब मैंने इस वीडियो को अपलोड करा तो मुझे लगा इसमें 2000 या 1000 व्यूज तो आ ही जाएंगे, लेकिन ये वीडियो भयंकर तरीके से वायरल हो गई जिस वजह से इस वीडियो पे 3 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज आ गए। और इस वीडियो में मैंने पहले ही बता दिया था कि एक यूट्यूब है जिसका नाम बॉली फन है, जिसमें उस बंदे ने ये फेक न्यूज फैलाई कि एमसी स्टैन की डेथ हो गई लेकिन वो जिंदा है। लेकिन इसके बावजूद भी लोग मुझे गाली दे रहे हैं यार, जिसमें से एक बंदा मुझे कुछ ये बोलता है, ये वीडियो बनाने वाला पागल हो गया है। नहीं भाई, मैं पागल नहीं हुआ, बस मैंने इस वीडियो में किसी को एक्सपोज कराया जो कि गलत न्यूज फैला रहा था। में एक बंदा और बोलता है चलो इस बंदे को प्यार देते हैं, रिपोर्ट मार के स्टैन आर्मी लाइक। पहली बात भाई, मैं ऐसा कोई काम नहीं कर रहा जो तुम मुझे रिपोर्ट मारो। दूसरा, नहीं मैं किसी को हेट करता, मैं सिर्फ एक सही बात बता रहा था जो एक बंदे ने गलत बताई थी आप लोगों को। बाकी आप सभी लोग अगर जितने भी मुझे प्यार करते हो तो प्लीज यार इस चैनल को सपोर्ट करो। मैं इस चैनल को रिकवर करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, बीच में छोड़ना पड़ा क्योंकि जॉब पे लग गया था मजबूरन, लेकिन अब मैं वापस आ गया और मुझे इस चैनल को कैसे भी करके खड़ा करना है। तो प्लीज यार, प्लीज अपना सपोर्ट दिखाओ यार। हाँ यार, मैंने जीटीएस एंट्रियास की वीडियो डालना चालू कर दिया, तो प्लीज यार उन्हें भी देख ले करो यार। चलो मिलता हूँ अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।